पंडवो कस्बे में लॉकडाउन में छूट मिलने पर काफी अरसे के उपरांत लोगों की चहल पहल देखने को मिली। इस दौरान टैक्सी नंबर की गाड़ियां भी सड़कों पर दौड़ती नजर आई। 42 दिन के लॉकडाउन के उपरांत सड़कों पर टैक्सियां दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। शराब की दुकानों के साथ होटल मालिक भी होटल पर नजर आए, मगर सभी का एक ही मत था कि लॉकडाउन में जो समय दिया गया है वो बहुत कम है। होटल व्यवसायियों और टैक्सी ऑपरेटरों ने कार्य शुरू ना करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जहां इतने दिन कोई काम नहीं किया तो वे आगे भी इंतजार करेंगे। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में मिली छूट के चलते पंडोह में लोग काफी चहल पहल करते नजर आए। थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए, जिससे कि हमें हम जो सरकार ने हमें निर्देश दिए गए हैं, हम उनका अनुशासन से पालन करेंगे। जैसा भी सरकार बोलेगी हम उनके आदेश का पालन करेंगे। और हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें जितने हमारी गाड़ी की कैपेसिटी है उसका आधे बैठाने की अनुमति चाहते हैं, और थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए। साथ में सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है उनके लिए कोई लगाम नहीं है। धड़ाधड़ सवारी घोए जा रहे हैं। हम प्राइवेट वाले घर प्राइवेट गाड़ियाँ जो हमारी है वो घर में बैठ के सरकार के निर्देश का अनुसरण कर रहे हैं कि सरकार जब बोलेगी तब हम गाड़ी लेके अपने स्टैंड में जाएंगे। हमारा रोजी रोटी यही है, जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण पालन करते हैं। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा जो टैक्स है, जो EMI है, इंश्योरेंस है, उसमें हमें छूट दी जाए। यही मेरी सरकार से गुजारिश है। धन्यवाद।